दोस्तों क्या आप भी टर्टल को एज ए पेट रखते हैं या रखना चाहते हैं? मतलब अगर आपने एक्वेरियम रखा हुआ है और उनके अंदर फिशेज रखी हैं, तो कभी ना कभी मन कर जाता है किसी का भी, चाहे मेरा है या किसी का भी है, कि यार टर्टल को क्यों ना एक टर्टल ही रखा जाए और हम शॉपकीपर से कनेक्ट करते हैं उसके लिए। कई बार आपने देखा होगा शॉपकीपर, अगर आप नोन में नहीं है आपका शॉपकीपर तो वो आपको मना भी कर देता है, अगर नोन में है तो वो आपको टर्टल दे भी देता है और अच्छे खासे रेट पे देता है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि टर्टल को रखना बैन है या नहीं है, या जो भी आप टर्टल रख रहे हो, चाहे वो इम्पोर्टेड है या लोकल है, लोकल मतलब इंडियन ब्रीड है, कि वो रखना लीगल है या इलीगल है? तो मेरा ये वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर है कि जो टर्टल आप अपने घर पे रख रहे हो, क्या वो रखना लीगल है या इलीगल है, चाहे वो इम्पोर्टेड है चाहे वो लोकल है। तो मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्लू एक्वेटिक्स पे, जहां पे आपको सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है फिश कीपिंग से रिलेटेड या एक्वेरियम हॉबी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं अपने फ्लावर ऑन फिशेस की वीडियो की, सबसे मैक्सिमम वीडियोस फ्लावर ऑन की मेरे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो अगर आप फ्लावर ऑन फिश लवर हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फिश अगर आपने रखी है, मीन्स अगर आप एक्वेरियम रखते हैं अपने घर पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोई ना कोई वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी उसको एनहेंस करने में, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा एनहेंस करने में आपकी वीडियो जरूर हेल्प करेगी। तो जैसे कि आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ टर्टल के ऊपर, मेरे चैनल से बिल्कुल हटके ये टॉपिक है, आपने देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर मींस मोस्टली वीडियोस जो है फिशेज से रिलेटेड नहीं है, बट आज मैं एक वीडियो लेके आऊँ टर्टल से रिलेटेड, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग टर्टल एज ए पेट रखते हैं और जब उनसे मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ तो वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इंपोर्टेड है या लोकल है, टर्टल रखना अलाउड है या नहीं है। देखिए अगर मैं इंपोर्टेड की बात करूँ, इंपोर्टेड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के टर्टल आते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है RES मींस रेड ईयर स्लाइडर। आपने देखा होगा बहुत कॉमनली मिल भी जाता है टर्टल, ठीक है, और अच्छे खासे रेट में मिलता है। हमें नहीं पता पीछे से क्या रेट आया, किस रेट में इम्पोर्ट हुआ है, बट जब शॉपकीपर से आप बाय करने जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे खासे रेट में मिलता है, 1500, 2500, 2000, हो सकता है किसी को 500 रुपए में मिल रहा हो या 1000 रुपए में मिल रहा हो, बट हर किसी एरिया वाइज जितना वो ज्यादा दूर से ट्रेवल करके आएगा उसको उतने ज्यादा उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर मैं इंडियन टर्टल्स की बात करूं तो टैन टर्टल है, येलो है, काफी सारी ऐसी वैरायटीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं सबके, काफी सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो इंडियन टर्टल्स में अवेलेबल है। तो आपको पता है कि अगर आप इंपोर्टेड या इंडियन जो भी आप ब्रीड रख रहे हैं, इन सबको रखना इलीगल है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इन सबको रखना बिल्कुल इलीगल है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बैन लगा दिया था आज से काफी साल पहले ही कि आप टर्टल को ऐसे पेट नहीं रख सकते, चाहे वो इम्पोर्टेड है चाहे वो लोकल है। ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि जो इनकी वैरायटी है, जो इनकी स्पीशीज है, वो गायब होने लगी थी, क्योंकि हम इनको पेट बना रहे थे अपने घर पे, तो इनकी वैरायटी जो है वो गायब होने लगी थी। तो उनको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था और इसके ऊपर पनिशमेंट भी बहुत तगड़ी है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके ऊपर पनिशमेंट क्या है अगर आपके घर पे टर्टल मिल जाता है। बट सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपने घर में RES भी रखा है, ऑल्दो वो इम्पोर्टेड है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि इम्पोर्टेड टर्टल है उसके ऊपर तो कोई बैन नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ इम्पोर्टेड टर्टल है उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके घर पे वाइल्ड लाइफ एक्ट वाले आ गए तो आप उनको प्रूफ ही करते रह जाओगे कि भाई साहब इम्पोर्टेड टर्टल है, इम्पोर्टेड टर्टल है, तब तक वो आपको फाइन भी कर चुके होंगे अच्छे खासे वाला, ठीक है। तो बेटर यही है कि जब तक आपने उनको प्रूव करना है कि इम्पोर्टेड टर्टल है या कुछ है, उसको क्यों ही रखना आपने, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे इम्पोर्टेड टर्टल के, कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उस इम्पोर्टेड टर्टल के, या जिस भी ब्रीडर से आपने लिया है या जिस भी शॉपकीपर से आपने लिया। मैं ब्रीडर को चलो दूर की बात है कि इम्पोर्ट करा हुआ तो ब्रीडर तो होगा ही नहीं, जिस भी शॉपकीपर से आपने लिया है क्या आपने उससे डॉक्यूमेंट लिए उसको रखने के लिए, क्या आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है टर्टल को पेट करने का, मतलब टर्टल को अपने घर पे रखने का, क्या आपके पास वैलिड लाइसेंस है? तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, तो प्लीज मैं ये बोलूंगा कि प्लीज इसको रिस्क मत लीजिए। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी टर्टल नहीं रखा सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि टर्टल रखना बिल्कुल इलीगल है। अगर आप एक बार भी पकड़े गए वाइल्ड लाइफ एक्ट वालों के पास तो आप उनको प्रूफ करते रह जाओगे सारी जिंदगी कि ये इलीगल नहीं है, ये इम्पोर्टेड टर्टल है। वो आपसे सीधा कहेंगे जी डॉक्यूमेंट दिखाओ, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? हमारे इधर हुआ भी था, एक शॉपकीपर था,
वो आरईएस में ही डील कर रहा था, तो किसी दूसरे शॉपकीपर ने कंपटीशन के ऐसे उसकी कंप्लेंट डाल दी, तो बंदे को सीधा वो उठा के लेके गए जेल में, और जेल में जाके मतलब थाने में उससे जाके पूछा कि हाँ जी कौन सा टर्टल है, वो कहता जी इंपोर्टेड टर्टल है, आरईएस टर्टल है, तो कहते दिखाओ इसके डॉक्यूमेंट्स में, अब डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं, तो उन्होंने उनको सीधा कह दिया था कि ये कुछ नहीं है, ये इलीगल है और आपको इतना फाइन लगेगा और इतने साल की कैद होगी आपको, तो बंदे को मतलब उसकी एसपीएससी हो गई थी। फिर हमें पता है कि वो कैसे केस सॉल्व हुआ था, कैसे केस सॉल्व नहीं हुआ था, कि अगर आप भी इन सब चीजों में पढ़ना चाहते हो फिर तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हाँ अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ टेंशन फ्री रहे, आप बिल्कुल आराम से जियो, तो टर्टल को प्लीज मत रखिए, मैं यही एडवाइस करूंगा। देखिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो है जिसके अंदर आपको दिखाया भी हुआ कि टर्टल की केयर कैसे करें, टर्टल को कैसे रखें, टर्टल को बड़ा कैसे करें, टर्टल को ऐसे करेंगे वैसे करें, जिस दिन उनके ऊपर छापा पड़ गया ना उस दिन पता लग जाएगा उनको कि टर्टल को पेट करना लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों मैं बात करूं ना पनिशमेंट की, तो मैंने एक जो है एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि कम से कम अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट टर्टल पालते हुए मिल जाते हो वाइल्ड लाइफ एक्ट वालों को, तो कम से कम 7 साल की कैद है और 25,000 का फाइन है, 25,000 इंडियन रुपीज का बताना यहाँ पे, 25,000 इंडियन रुपीज का फाइन है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 7 साल की कैद जा सकते हो या अगर आप 25,000 का फाइन भर सकते हो, मतलब दोनों है, ऐसा नहीं है कि या 25,000 या 7 साल की कैद, दोनों है कि अगर आप टर्टल के साथ मिल जाते हो रखते हो उसको और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको 7 साल की कैद भी होगी प्लस 25,000 का फाइन भी होगा। ये मैंने काफी पहले का पढ़ा हुआ है, अब लेटेस्ट में मेरे को आइडिया नहीं है, तो देख सकते हो कि बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप रख रहे हो तो 2 साल की कैद होगी या 3 साल की कैद होगी, तो शायद ये बड़ा भी हो या ना भी बड़ा हो, ठीक है। बट अगर चाहे 1 महीने की भी जेल हो रही है तो यार 1 महीने की जेल क्यों करनी है टर्टल को पाल के यार, तो बेटर ये है ना अपना ही रखो। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा ब्लू क्रिटिक्स के मीडियम से कि टर्टल को प्लीज बहुत सोच समझ के पेट बनाइए, बहुत सोच समझ के रखिए। अगर आप छुपते छुपाते भी रख रहे हैं और मोहल्ले में किसी ने शोर मचा दिया ना कि इनके घर पे टर्टल है, तो वैसे ही छापा पड़ जाएगा। तो बेटर यही है कि आप चाहे अगर आप आरईएस रख रहे हैं, चाहे टेंट टर्टल रख रहे हैं, रूफ टॉप जिसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं एग्जैक्ट याद, मेरे को सिर्फ आरईएस का याद है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टर्टल काउंट होता है, तो बट उसको भी रखना रिस्क है बहुत बड़े वाला। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आरईएस भी अगर आप रख के बैठे हो तो बेटर यही है या तो उसको कहीं किसी को दे दो, अपने शॉपकीपर को दे दो जिससे भी आप लेके आए हो, या कहीं उसको रिवर वगैरह में डाल दो, बट बहुत रिस्की है टर्टल रखना, ये बात आपको कभी शॉपकीपर नहीं बताएगा। हाँ अगर आप अननोन शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको जाके कहते हो ना कि भाई टर्टल है, मना कर देता वो साफ, क्यों मना कर रहा है अगर उसके पास आरईएस मिल रहे हैं, अगर आराम से आरईएस इंपोर्टेड ही है ना आपके अकॉर्डिंग। देखिए अब कितना बड़ा रिस्क है आरईएस को भी रखना, मतलब बहुत ही छुपते छुपाते आते हैं आरईएस, अगर आप मतलब जो आपका शॉपकीपर है उससे पूछ के देखना कि इसने आरईएस कैसे मंगाए होंगे, इतने इल्लीगल तरीके से इतने छुपते छुपाते जाते हैं, कई बार तो इनका स्टॉक भी पकड़ा जाता है और ये रगड़े भी जाते हैं अच्छे खासे तरीके से। तो दोस्तों एक छोटी सी चीज के लिए ना अपनी लाइफ खतरे में मत डालो, अपने जो आपका नाम बना हुआ अपने मोहल्ले में या जो आपके एरिए में या जो आपके फ्रेंड्स या कलीग में जो भी आपका नाम बना हुआ आपकी इमेज बनी हुई है उसकी वैल्यू मत डाउन कीजिए आरईएस के चक्कर में या किसी भी नॉर्मल टर्टल के चक्कर में। मैंने कई बार देखा है कि जिनके घरों के पास से नदियां वगैरह निकल गई ना तो उनके घर पर चलते चलते टर्टल आ जाते हैं और वो उसको पाल लेते हैं, आपको पता है वो भी गैर कानूनी है, वो भी इलीगल है पालना उनको। अगर आपके घर पे वाइल्ड लाइफ एक्ट वाले आ गए और उन्होंने उस टर्टल को देख लिया तो आप यही नहीं कह पाओगे कि भाई अपने आप फायदा चलता जाता, वो आपसे सीधा ये कहेंगे कि आप वापिस क्यों नहीं छोड़ गए। और अगर आपके एक्वेरियम में रखा हुआ मिल गया तो बस फिर तो मैंने बता दिया आपको कम से कम 7 साल की सजा है और 25,000 का फाइन है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो देख लीजिए टर्टल को रखना कितना ही रिस्की है, बेटर ये है कि यार अच्छे से फिशेज रख लो, वैरायटी रख लो यार फिशेज की, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की रखनी है, वैरायटी रख लो और बड़ा टैंक बना लो। अगर आपने हॉबी अच्छे तरीके से जीनी है भी, हॉबी को आप फुली एंजॉय करना चाहते हो तो एक बड़ा टैंक बना लो ना, जरूरी है टर्टल के चक्कर में इतना नुकसान करना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टर्टल या टॉर्टोइस कुछ भी है, देखिए इलीगल है ये, प्लीज इनको मत रखिए अपने घर पे। अगर रख रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए सो दैट अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट वाले अगर आपके पास आते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो उनको दिखाने के लिए, ऐसा ना हो कि आप उनको रखे बैठे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि भाई साहब आरईएस है, तो शॉपकीपर ने बताया था कि आरईएस है, आप उनको प्रूफ ही नहीं कर पाओगे और अननेसेसरी आपको उठाने भी ले जाएंगे साथ में। बेटर यही है प्लीज मत रखिए,
इसको जितना ज्यादा अवॉइड हो सकता है अवॉइड कीजिए, और जो भी आपको गारंटी लेकर कोई देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं भाई साहब रखिए आप, नहीं नहीं भाई साहब रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठे हैं, उनको बोलिएगा सर ठीक है मेरे को डॉक्यूमेंट दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है टर्टल रखने के लिए ना एक लाइसेंस चाहिए होता है प्रॉपर, या अगर कोई शॉपकीपर किसी टर्टल को सेल कर रहे हैं ना, शॉपकीपर को भी लाइसेंस चाहिए टर्टल रखने के लिए। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को कि टर्टल पालना इजी मतलब लीगल है या इलीगल है, एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए एक शॉपकीपर को भी सेल करने के लिए, और जितने भी शॉपकीपर इसको सेल कर रहे हैं ना सब इलीगली सेल कर रहे हैं उनके, क्यों, क्योंकि अच्छे पैसे बन जाते हैं टर्टल को सेल करके। तो बैठ रही है आप टर्टल के चक्कर में मत पड़े, आप जस्ट फिशिज पे कॉन्सेंट्रेट करें और फिशिज को ही रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो को मैं ये एडवाइस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी टर्टल रखा हुआ है या जो टर्टल रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज उनको इस चीज के एडवाइस दीजिए, इस चीज की गाइडेंस दीजिए कि टर्टल रखना बिल्कुल इलीगल है। अगर उन्होंने रखा हुआ और उन्होंने बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेड टर्टल है इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए वाइल्ड लाइफ एक्ट वालों को आप प्रूव नहीं कर पाएंगे ये इम्पोर्टेड है कुछ, तो सीधा आपसे आके डॉक्यूमेंट मांगिए, और विदाउट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिल रहा है तो वो इलीगल है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको इतनी नॉलेज मिले कि टर्टल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ हमारा इनिशिएटिव जो चल रहा है कि हर 100 सब्सक्राइबर्स पे हम लोग एक रील लाएंगे, तो प्लीज इस चीज को मत भूलिए, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो कि लेटेस्ट कंटेंट है उसको देखते रहिए, और इस टॉपिक को और ज्यादा एनहेंस करते रहिए। जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आएंगे, एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग जरूर उसके ऊपर वर्क करेंगे और जरूर वो वीडियो बनाएंगे। बट प्लीज मेक श्योर कि आप इस हॉबी को अच्छे से जिए, अच्छे से एंजॉय करें, अपनी फिशेज को खुश रखें, टर्टल के चक्कर में ना परेशान रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।